हेलो फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। अदानी विलमर में उनके सीईओ मिस्टर अगांशु मलिक ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है आज। उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या है अदानी विलमर में, और इसकी जो रनअप है वो रुक गया क्या है, आगे टारगेट क्या होंगे, ये शेयर अभी रुक गया कि भागेगा, हम ज़रूर बताएंगे आपको। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अदानी विलमर का आज मूवमेंट कैसा रहा मार्केट में। आज इसका जो NSE पे इसका लो लगाया था इसने 376 रुपीज़ का, और हाई लगाया था 393 रुपीज़ का, एंड क्लोजिंग हुआ 382 रुपीज़ में। फ्रेंड्स, इसका 52 भी खाया है 420 रुपीज़, जो कि आप सब लोग जानते हैं, और लो है 220 रुपीज़, वो भी आप सब लोग जानते हैं। BSE पे इसका आज का लो था 375 रुपीज़ एंड आज का हाई था 393 रुपीज़, एंड क्लोजिंग हुआ है 382 रुपीज़ में। बट पॉजिटिव बात क्या है आज कि इसमें हमें माइनस में नहीं देखने को मिला, इसने अपने लेवल को होल्ड किया है। मार्केट में आज करेक्शन हुआ पर ये माइनस में क्लोज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव बात है। तो इसका मतलब ये निकाल सकते हैं हम लोग कि अदानी विलमर में अभी भी काफ़ी फायर बाकी है। NSE पे आज इसके अराउंड 1,33,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एंड BSE पे 15,00,000, सो ऑल टुगेदर अराउंड 1,50,00,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं अदानी विलमर के, BSE और NSE मिलाकर, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम हम लोग समझ के चल सकते हैं इस मार्केट के गिरावट में भी। आप देख सकते हैं कि आज ये 393 रुपीज़ तक गया था, मतलब ऊपर गया था, पर बाद में करेक्शन के कारण मार्केट में थोड़ा सा इसमें हमें फिर से नीचे आया। बट इसने अपना जो लेवल था वो ब्रेक नहीं किया, जो मंडे का क्लोजिंग था उसको उसने ब्रेक करके नीचे नहीं गया, ये पॉजिटिव बात निकल कर आती है अदानी विलमर के बारे में। और आज इनके सीईओ ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी भी 45 डेज का सनफ्लावर ऑयल का स्टॉक है, और 45 डेज का स्टॉक है। आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है फ्रेंड्स, और यूक्रेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया को सनफ्लावर ऑयल का, और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके कारण एक्सपोर्ट सब रुक गए हैं, तो अदानी विलमर भी उसका बेनिफिशियरी हो सकता है। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि अभी मार्केट में शॉर्टेज रहेगा, और इसके कारण सनफ्लावर ऑयल के रेट के भाव बढ़ेंगे, तो उससे फ़ायदा किसको होगा, अदानी विलमर को होगा जिनके पास 45 डेज़ का स्टॉक है। आप जानते हैं क्वार्टर जो ख़त्म होगा इस फोर्थ क्वार्टर, वो 31 मार्च को ख़त्म होगा, आज की तारीख है 2 तारीख, तो आप देख सकते हैं कि पूरे महीने का स्टॉक कंपनी के पास है, और इस महीने में जो भी मार्केट में सल्फर ऑयल का रेट बढ़ेगा उसका फ़ायदा डायरेक्टली हमें देखने को मिलेगा कंपनी के रेवेन्यू में और प्रॉफिट में, तो इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, कंपनी के पास स्टॉक है। हाँ, अगर कंपनी का यह स्टेटमेंट आता था कि हमारे पास स्टॉक नहीं है तो दिक्कत की बात थी, क्योंकि उनको हाई रेट में बाय करना पड़ता था, पर उनके पास अभी 45 डेज़ का स्टॉक है, पड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स, से वॉर कोई 45 डेज चलने वाला नहीं है, 8-15 दिन में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल ही जाएगा, और यूक्रेन से फिर से एक्सपोर्ट शुरू हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अदानी विलमर को इस वॉर से कुछ भी खतरा नहीं है, उल्टा उसको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल के रेट जितने बढ़ेंगे उतना फ़ायदा अदानी विलमर के प्रॉफिट में होने वाला है, सेल में होने वाला है। दूसरी बात, अदानी विलमर ओनली राइस सनफ्लावर ऑयल नहीं बनाती है, तो ग्राउंड नट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल भी बनाती है, तो उस वो भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसमें जो तेज़ी आने वाली है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा, बिकॉज कंपनी अपने पास स्टॉक करके रखती है सल्फर सीड्स, जो क्रश करते हैं वो लोग प्रोसेस करते हैं, उनका स्टॉक वो रखते हैं उनके पास, जो कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास 45 डेज का स्टॉक है, अभी सफिशेंट है। कंपनी के 22 प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वहाँ से सप्लाई चेन में भी कोई ब्रेकअप नहीं होने वाला है, ऐसा भी स्टेटमेंट कंपनी ने दिया है। तो एक स्टेटमेंट आज ही आया है, तो कल हमें इस शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो लोग इसको होल्ड कर रहे हैं अदानी विलमर को, फ्रेंड्स होल्ड कीजिए, मार्केट चलेगा तो यही शेयर आपको 500 से 600 के लेवल भी दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में, और जो लोगों ने अभी ख़रीदा नहीं है वो थोड़ा थोड़ा हर लेवल पे बाय कर सकते हैं। ये क्राइसिस का बेनिफिट इस शेयर को मिलने वाला है, जितना सनफ्लावर ऑयल का रेट ऊपर जाएगा उतना ही इसका बेनिफिट मिलेगा, और मार्च का क्वार्टर इसका अच्छा और आने की उम्मीद है। अगर वो अभी, क्योंकि देखिए इसका 241 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था दिसंबर क्वार्टर में, उसके कंपेरिजन में अगर 300 से 400 करोड़ का भी प्रॉफिट इसमें आ गया तो शेयर का बहुत ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अदानी विलमर एक पॉजिटिव कंपनी है और बहुत शानदार रिजल्ट दे रही है, और इसका यूक्रेन रशिया वॉर का इसको डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए यह शेयर गिरने को तैयार नहीं है।
तो इसमें अभी भी रहना बाकी है, फायर बाकी है, तो आप इसको ज़रूर होल्ड कर सकते हैं एंड बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय कर सकते हैं, और इस कंपनी के बारे में आप स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। और डेली आपको मैं अपडेट देते रहूँगा आदरणीय ब्लूमर का, आप वॉच करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।